या बस्ते में किताबों का ठूस ठूस के भरना, या माँ का वो टिफिन का तैयार करना, या स्कूल के लिए एक बार फिर लेट हो जाना। वो शायद बचपन ही था बड़ा सुबह। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उपेंद्र है, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये आज की वीडियो एक स्टोरी टेलिंग है स्कूल लव स्टोरी के ऊपर। मुलाकात कराता हूँ मैं उस दौर की जिस दौर में आप कभी स्कूल गए थे। मेरी हर सुबह लड़ाई के साथ शुरू होती थी, जो कि नींद और घड़ी के बीच अक्सर हुआ करती थी। मैं बिस्तर पे तबियत से सो रहा होता था, पिता के आने पे नहाने के लिए रो रहा होता था। वो नहाने के लिए बहाने करना, या दो मग्गे पानी का खुद पे लहराना, या चिपके हुए बालों पे कंघी का फेरना, या बस्ते में किताबों का ठूस ठूस के भरना, या माँ का वो टिफिन का तैयार करना, या स्कूल के लिए एक बार फिर लेट हो जाना। वो शायद बचपन ही था बड़ा सुबह। खैर, तब मैं 7 साल का था जब पकड़ा हुआ था दरवाजा मैंने कस के अपने हाथों से, खींच रही थी माँ मेरी, क्योंकि बस खड़ी थी दरवाजे पे, वो ताक रही थी खिड़की से, क्या चल रहा है इस खाचे में। मैं सोच रहा था बेटा अब तो पड़ गया हूं गाटे। छोड़ दिया दरवाजा मैंने, भागता हुआ चढ़ गया मैं बस में। दोस्त बोला, भाई बैठ मेरे साथ। मैं बोला, भाई नहीं, क्योंकि अपनी मंजिल थी किसी और रास्ते में। उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे नजर नहीं आई, शायद इसीलिए दिल मेरा बेचैनी से धड़क रहा था। वो मेरी परछाई थी, क्या पता इसीलिए तड़प रहा था। खैर, वो किताबों के पन्ने पलट रही थी, आवाज उसकी जुल्फों से लिपट रही थी, उसकी बगल वाली सीट खाली थी। मैं बैठने की कोशिश कर रहा था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं थक हार के अपने दोस्त की तरफ बढ़ने लगा, मानो किसी ने मेरा ख्वाब मुझसे छीन लिया हो, जो कि था सपनों से भरा। मैं जैसे ही बैठने लगा, इतने में एक जोर का झटका आया और मैं उसके सामने वाली सीट पर जा गिरा। सब मेरी हालत देख के मुझ पे हंस रहे थे। मैं अपने आप को संभालने लगा और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा कि इतने में एक हाथ आया और वो बोली, आर यू ओके। शायद इसी पल का इंतजार ऊपर वाला मुझसे करवा रहा था, या यूं कहूं वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। मैं उसे थामने जा रहा था।